लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश के साथ सभी जिलों में मध्यम स्तर की बारिश होने के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। इधर बिहार में बारिश और नेपाल से आ रहे पानी के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती में उफान तो है ही, लेकिन अभी खतरे के निशान से थोड़ा सा वो नीचे है। एक दो दिन लगातार बारिश हुई तो ये खतरे के निशान तक भी पहुंच जाएंगे। वैसे भी मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। बांका के दक्षिणी हिस्से में जोरदार बारिश से पंजवारा में चीर नदी पर नए पुल निर्माण को लेकर बनाया गया डायवर्जन बह गया, जिससे बांका का झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीधा संपर्क टूट गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मुंगेर में गंगा का जलस्तर 31.63 मीटर दर्ज किया गया। हर घंटे जलस्तर 4 सेंटीमीटर तक बढ़ता जा रहा है। वाल्मीकि नगर बराज में जल भराव 59,600 से बढ़कर 81,800 क्यूसेक हो गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कटौझा में बागमती का जलस्तर बढ़ा है। नदी खतरे के निशान 55 मीटर से 1.37 मीटर नीचे बह रही है। मौसम विभाग ने गंडक और बूढ़ी गंडक में आज से ही जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना भी जता दी है। अब आपको ये भी बता रहे हैं कि सोमवार को राजधानी पटना सहित राज्य के 11 जिले ऐसे रहे जहां के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं 18 जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 35.6 डिग्री सेल्सियस के साथ जमुई जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। पटना का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री रहा, गया का 31.4 डिग्री रहा, औरंगाबाद का 34.9 डिग्री रहा, नवादा का 32 डिग्री, नालंदा का 30.4 डिग्री, बक्सर का 32.9 डिग्री, मुजफ्फरपुर 31.2 डिग्री और बेगूसराय 33 डिग्री। साथ ही बांका की बात कर ले तो 30.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 6 जुलाई तक बारिश और वज्रपात की गतिविधियां बने रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य भर में आंशिक से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य भर के लिए वज्रपात और मेघ गर्जन का भी अलर्ट जारी है। कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। पटना जिले में भी बुधवार तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। बिहार में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम का रंग सुहाना बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश हो रही है। और बता दें कि बारिश का मिजाज शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग रह रहा है। कहीं कहीं आंशिक बूंदाबांदी की स्थिति बन रही है तो कहीं पर दोपहर में धूप निकलने के बावजूद भी बादलों की आवाजाही से तापमान संतुलित बना हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश होने के पूर्वानुमान जता दिए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अपने पशुधन और खुद को बाहर निकलने से बचाइए। मौसम साफ होने पर अपने काम को कीजिए। आंधी के दौरान संवेदनशील संरचनाओं से दूर रहिए और मेघ गर्जन के दौरान पेड़ पौधों के नीचे मत जाइए। ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ जाइए, ऐसा मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है।